नमस्कार दोस्तों, साउथ इंडिया हमेशा से ही नॉर्थ इंडिया से बेहतर रहा है। बात चाहे एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, पॉलिटिकल स्थिरता की हो या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की हो, हर एक फील्ड में साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से बेहतर रहा है। और इसीलिए आज साउथ इंडिया 20% पॉपुलेशन में 31% इंडिया GDP में कंट्रीब्यूट करती है और यह आंकड़ा 2030 तक 35% तक भी जा सकती है। और इन सभी को मुमकिन करेगा साउथ इंडिया की ये 10 महत्वपूर्ण परियोजनाएं। ये 10 महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी है, आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। साउथ इंडिया की पहली परियोजना है सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट। साउथ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक, जिसे केरला में प्रस्तावित किया गया है। यह एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना है जिसे सिल्वर लाइन के रूप में त्रिवंत्रमपुरम को कसरगोड से कनेक्ट करेगी। पूरा सेक्शन 532 किलोमीटर का होगा, जिसे 67K यानी कि 67,000 करोड़ की लागत से केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की एक ज्वाइंट कोलेबरेशन में डेवलप होगा। वैसे तो इसे 2027 तक बनाकर पूरा करने की बात कही जा रही है, देखना होगा कि कब तक यह बनकर तैयार होती है। अगर बनती है तो केरला के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग, महज 4 घंटे में ही 532 किलोमीटर का सेक्शन कवर करने में सक्षम होगी। फिलहाल यह पूरा सेक्शन 10 से 12 घंटे का समय लगता है, बट ये प्रोजेक्ट बनने से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है, जिससे लोगों की समय तो बचेगा ही, एम्प्लॉयमेंट के भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। अब देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे रीसेंट अपडेट और न्यूज़ के अनुसार फिलहाल प्रोजेक्ट कोस्ट होने के कारण सेंटर और स्टेट के बीच में खींचातानी जरूर हो रही है, बट जल्द ही उम्मीद करेंगे कि इस पर काम शुरू हो और जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। साउथ इंडिया की दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर। वैसे तो पूरे भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रही है, पहला उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर हर एक परिस्थिति में सबसे बेस्ट परियोजना है, क्योंकि यह ना सिर्फ देश की आर्थिक इकोनॉमी को बेहतर करेगी, देश को सेल्फ रिलायंट के साथ शक्तिशाली बनाने में और मेक इन इंडिया को मजबूत करने में सक्षम होगी। और इसीलिए डिफेंस कॉरिडोर साउथ इंडिया की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट परियोजनाओं में से एक रखा गया है। तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर 5 अलग अलग नोड्स में तैयार होगा, पहला होसूर, सलेम, चेन्नई, कोयम्बतूर और त्रिचूर। बताया जाता है कि डिफेंस कॉरिडोर 2025 तक 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। वहीं फ्यूचर में 1,00,000 करोड़ तक भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो भारत को आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। ऐसे में देखते हैं 2025 तक तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाती है और कितने लोगों को रोजगार क्रिएट कर पाती है। साउथ इंडिया की तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है रमयापट्टनम पोर्ट परियोजना। रमयापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित किया गया है, जो एक डीप सी वाटर पोर्ट प्रोजेक्ट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 तक बनकर तैयार हो जाना है, जिसे 2 अलग अलग फेसेस में तैयार होगा। फेस 1 के तहत पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन होना है, जिसमें टर्मिनल इत्यादि होंगे। वहीं फेस 2 के अंतर्गत वेयर हाउस और भी अदर चीज़ें जो कि एक पोर्ट्स में ज़रूरी होती है, आसपास में इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ाने के लिए और भी कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई जाएगी। तो मैं देखते हैं 2025 तक रमयापट्टनम पोर्ट्स तैयार हो पाती है या फिर नहीं होती है। होगी तो हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा, स्टेट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होगी और GDP भी मजबूत होगी, देश को एक कदम आगे ले जाने में सहयोग करेगा। साउथ इंडिया की फोर्थ बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है बेंगलुरु सब अर्बन रेल परियोजना। 150 किलोमीटर लंबी यह रेल परियोजना 4 अलग अलग लाइन के रूप में DPR तैयार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह के राइड आने की कर्नाटका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड इसे तैयार करेगी, जिसका एस्टिमेट को 16,000 करोड़ बताई जा रही है। कब तक बनकर तैयार होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, बट हाँ, सब अर्बन रेल बनती है तो कहीं ना कहीं कर्नाटका के लोगों के लिए काफ़ी राहत मिलेगी और बहुत ही लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगी। उम्मीद करेंगे बेंगलुरु सब अर्बन रेल परियोजना प्रायोरिटी के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है, वो कब तक तैयार हो पाता है। साउथ इंडिया की फिफ्थ बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है हैदराबाद रीजनल रिंग रोड परियोजना। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड तेलंगाना और हैदराबाद की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परियोजनाएँ तो है ही, महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह शहर का एक्सपेंशन तो करेगा ही। 340 किलोमीटर का क्षेत्रफल को भी यह पूरी तरह से हैदराबाद सहित हैदराबाद के आसपास का एरिया को कवर करेगा। इसमें संगारेड्डी, तुपरन, चोटुपल, अमगल,
और शंकरपल्ली जैसे टाउन शामिल है। इन सभी टाउन को कनेक्ट करते हुए शहर का एक्सपेंशन होगा, नए नए प्रोजेक्ट और भी इंटरेक्ट करेंगे, देश में इकोनॉमिक गतिविधि का संचार होगा। वैसे तो आज हैदराबाद काफी तेजी से विकसित हो रही है, बट यह रीजनल रिंग बनने से कहीं ना कहीं और भी इम्प्लॉयमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज आएंगे। वैसे इस पूरे परियोजनाओं को दो अलग अलग फेस में विकसित करेगी। फेस वन 9,500 करोड़ की लागत से, वहीं फेस टू 6,480 करोड़ की लागत से तैयार करेगी, जो फिलहाल लैंड एक्विजिशन पर काम शुरू है। साउथ इंडिया की 6th बड़ी परियोजना है नेशनल वाटरवे फोर एक 1,095 किलोमीटर लंबी वाटरवे प्रोजेक्ट है, जिसे फिलहाल इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप कर रही है। यह साउथ इंडिया के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी को कनेक्ट करती है। नेशनल वाटरवे 4 कोरोमंडल कोस्ट से होते हुए ककिनंडा, इलूरू, कमनूर, बकिंगम कनाल को जोड़ेगी। वहीं कृष्णा और गोदावरी रिवर से भी इसका लिंक होगा। अगर डेवलप होती है तो लॉजिस्टिक कोस्ट तो रिड्यूस होगा ही, देश की आर्थिक इकोनॉमी भी मजबूत होगी। वाटरवे प्रोजेक्ट इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक डेवलप करने में तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं वाटरवे बनाने में सिर्फ 50 से 60 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं हर एक लिहाज से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजनाओं में से एक है। ऐसे में देखते हैं भारत सरकार जो वाटरवे इनिशिएट ले रही है वो कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे अभी फिलहाल नेशनल वाटरवे 1 पर काम चल रहा है, जो कि वाराणसी को हल्दिया से कनेक्ट करती है। वैसे ही इस पर भी जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 2030 तक नेशनल वाटरवे 4 बनकर तैयार हो जाएगी। अगर तैयार होती है तो साउथ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, पूरे इंडिया का भी इकोनॉमी बेहतर होगा। वहीं इसके अलावा साउथ इंडिया की कई और बड़े महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करेगी, लार्ज स्केल में रोजगार भी क्रिएट करेगी, जिसमें पहला स्थान है चेन्नई फाइनेंशियल टैक्स सिटी, जो कि नंदबक्कम और कबनूर में बनाया जा रहा है। वहीं दूसरा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट, हैदराबाद फार्मा सिटी और कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सभी कहीं ना कहीं साउथ इंडिया की इकोनॉमी को इंक्रीज तो करेगी ही, देश की इकोनॉमी और जीडीपी को भी बेहतर करने में सक्षम होगी, लार्ज स्केल में रोजगार यानी कि इम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकेगी। और इसीलिए ये 10 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो मैंने अभी बताया वो साउथ इंडिया के लिहाज से बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट में से एक है। अगर ये बनकर तैयार होती है तो निश्चित तौर पर साउथ इंडिया और भी आगे बढ़ेगा। ऐसे में इस पर आपका क्या ख्याल है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।